हेलो गेमर्स, वेलकम बैक। एंड गाइस, आज मैं तुमको एक ऐसे सर्वर के बारे में बताने वाला हूँ जो टू कॉपी होने वाला है हमारे पोगेम्स स्काई ब्लॉक सर्वर का। और जैसा कि तुम सभी को पता है यार, पोगेम्स का स्काई ब्लॉक सर्वर अभी कुछ टाइम के लिए ऑफलाइन रखा गया है। सो उस दौरान भाई इस सर्वर का मिलना काफी ज्यादा अच्छी बात है हमारे लिए। एंड बस इस सर्वर की आईपीएल पोर्ट मेरे को दिए थे आदित्य गेमिंग भाई ने, सो बिग शाउट आउट टू यू ब्रो। एंड उसके साथ में गाइस, अभी मैं तुमको इसका छोटा सा टूर देने वाला हूँ इस वाले वर्ल्ड का। एंड बाकी इसके आईपीएल पोर्ट भी तुमको वीडियो के बीच में ही देखने को मिलेंगे। सो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना भाई। लिटरली बता रहा हूँ, सर्वर काफी ज्यादा ओपी है। अभी तक जितने भी सर्वर मिले पोगेम्स के बाद, उसके बाद मेरे को यही वाला सर्वर थोड़ा अच्छा लगा। नाउ गाइस, तुमको यहाँ पर एक्शन हाउस देखने को मिल जाता है, यहाँ के तुम अपने एक्शन क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पे तुमको शॉप देखने को मिल जाती है, यहाँ पर हर टाइप के बंदे मिल जाएंगे तुमको। यहाँ पे तुम कुछ भी सामान खरीद सकते हो और बेच सकते हो। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे के सारे शॉप के ऊपर तुमको देखने को मिल जाते हैं। नाउ गाइस, तुमको शॉप के सामने ही देखने को मिल जाती है लाइब्रेरी, एंड जस्ट वहाँ पे देखने को मिल जाती है तुमको बैंक। नाउ गाइस, यहाँ पे तुमको कुछ नया देखने को मिल जाता है, लाइक यहाँ पर एक कम्युनिटी शॉप भी है। मेरे को ज्यादा इसके बारे में आइडिया नहीं है, फिर मैं तुमको इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। सो यहाँ पर तुमको कुछ ऐसी चीजें मिलती है जिनके पास कुछ अजीब सी पावर होती है, जिनका यूज करके तुम कुछ अलग कर सकते हो। नाउ गाइस, अभी इसके माइंस और फार्म्स की बात कर लेते हैं। सो इसका फार्म तुमको यहीं पर पीछे देखने को मिल जाता है, शॉप के पीछे ही। यहाँ से बीट वगैरह काट के तुम अपना एक्सपीरियंस लेवल बढ़ा के फिर जा सकते हो बर्न को। और बर्न जाने के लिए तुमको अपने फार्मिंग लेवल को एटलीस्ट 1 तक तो ले जाना ही पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है। नाउ गाइस, ये फॉरेस्ट वाला इलाका है, यहाँ पर तुमको पहले ओक वुड वगैरह काट के थोड़ा फॉरेस्टिंग लेवल को अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड करने के बाद तुम जा सकते हो अगले वाले वुड पर। तो वो रहा हमारा सामने बीच वुड वाला, और वहाँ पे जाने के लिए रिक्वायर फॉरेस्टिंग लेवल 1। अगर वो होगा तभी तुम वहाँ जा सकते हो, नहीं तो तुम नीचे गिर जाओगे। नाउ गाइस, यहाँ से तुम अपने लिए पेट वगैरह खरीद सकते हो। नाउ गाइस, तुमको यहाँ पर ग्रेवल यार्ड भी देखने को मिल जाता है। बाकी ग्रेवल यार्ड पे क्या होता है ये तो लिटरली मेरे को भी नहीं पता, बाकी तुम देख लेना भाई। ये काफी अच्छी जगह लग रही है मेरे को, बिल्कुल स्पाइडर डंजन जैसी फील दे रहा है। आई थिंक मेरे को लग रहा है यहाँ पर काफी सारे मॉब से मिलते हैं, उनसे मारने से हमको कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा। सो भाई, तुम देख ही सकते हो यहाँ पर मॉब दिख रहे हैं मेरे को दूर से ही। बाकी गाइस, तुम चाहो तो यहाँ से आगे भी जा सकते हो, स्पाइडर डंजन तक भी जा सकते हो। इसके लिए रिक्वायर्ड लेवल कॉम्पैक्ट लेवल को तुमको अपग्रेड करना पड़ेगा थोड़ा। सो इनसे थोड़ी बहुत फाइट वगैरह लेनी पड़ेगी, और जैसे तुम्हारा कॉम्पैक्ट लेवल बढ़ता है तुम वहाँ पर भी जा सकते हो। नाउ गाइस, यहाँ से तुम माइंस को जा सकते हो, और वो सारे माइंस को हम आने वाले वीडियोस में एक्सप्लोर करेंगे। बाकी तुम खुद से जाकर देख लेना। नाउ गाइस, अभी देख लेते अपने आइलैंड को। एंड गाइस, आइलैंड तो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा नॉर्मल स्काई ब्लॉक्स में होता है। बाकी यहाँ पर तुमको जेरी नाम का बंदा भी देखने को मिल जाता है, तो तुम इससे भी बात कर सकते हो अपना टाइम पास करने के लिए। एंड गाइस, अभी इसके मेन्यू की बात कर लेते हैं। गाइस, इसका मेन्यू तुमको पूरा पोगेम्सी के जैसा ही देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीजें वही है जो पोगेम्सी में थी। बाकी बस तुमको यहाँ पर रेसिपी बुक के अंदर जैसे ही जाते हो, तो यहाँ पर जाते से तुमको कुछ नई चीजें देखने को मिलती है, लाइक मिनियन रेसिपी तो तुम्हें उसमें भी देखने को मिली जाती थी। बाकी यहाँ पर कलेक्शन लेवल पे तुमको कुछ रिवार्ड वगैरह मिलते हैं, अगर जैसे जैसे तुम अपने लेवल को अपग्रेड करते जाते हो। बाकी गाइस, सबसे स्पेशल चीज मेरे को ये लगी, यहाँ पे लिख रखा है कुछ स्पेशल रेसिपीज। जैसे मैं इनके ऊपर क्लिक किया तो मेरे को पता चला कि गाइस, यहाँ से हमको कुछ स्टिक्स मिलेगी। इनका यूज करके गाइस, तुम अपने आइलैंड को किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक तुम नेदर में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और सवाना बायोम में या फिर प्लेन बायोम में, जैसे चाहो वैसे कन्वर्ट कर सकते हो। सो आई होप यार गाइस, तुमको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड आईपीएन पोर्ट में वीडियो के बीच में बता चुका हूँ, जो कि तुमने देख ही लिए होंगे अभी तक। एंड नहीं देखे तो फिर से एक बार वीडियो को रिवर्स जाके देख लो। एंड याद रहे गाइस, मैंने 1 या 2 सेकंड के लिए ही दिखाए हैं बीच में आईपीएन पोर्ट्स। सो यार गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।